वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टूडेंट अड्डा पर। मैं हूं केएस तोमर। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की इग्नू से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे, और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इग्नू ने दिसंबर 2017 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए टेंटेटिव डेट शीट रिलीज की है। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अगर हम डेट शीट के अकॉर्डिंग तैयारी करें तो क्या ये सही डेट शीट है, और क्या फाइनल डेट शीट भी ऐसी ही होगी? तो आप सभी को बताना चाहूँगा, इग्नू हर बार एग्ज़ाम से 2 से 3 महीने पहले टेंटेटिव डेट शीट रिलीज़ करता है। जून 2017 एग्ज़ाम से पहले जब टेंटेटिव डेट शीट आती थी तो काफ़ी रिलेटेड होती थी फाइनल डेट शीट से। बट अगर हम बात करें लास्ट जून की, यानी कि जून 2017 की, तो उसमें जब डेट शीट आई थी तो वो फाइनल डेट शीट से काफ़ी उसमें चेंजेस थे। एटलीस्ट 90% चेंजेस उसके अंदर थे जो ओरिजिनल डेट शीट आई थी। हाल ही में इग्नू डीजी न्यूज़ में बताया गया है कि एग्ज़ाम जल्दी ही ख़त्म होंगे जैसे जून में हुए थे। अगर हम दिसंबर की इस डेट शीट को देखें तो इसमें काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम डेट और सेम शिफ्ट में हैं, जिसकी वजह से 2 एग्ज़ाम एक ही डेट पर होना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लास्ट जून एग्ज़ाम में भी यही हुआ था, काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि सेम डेट पर 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम थे और सेम शिफ्ट में, जिसकी वजह से उन्हें अपना एक एग्ज़ाम ड्रॉप करना पड़ा था और दूसरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ा था, और उसी वजह से उनके काफ़ी सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम रह गए थे जो वो जून में नहीं दे पाए थे। सो फाइनल वर्ड्स ये हैं कि इस डेट शीट को बिल्कुल भी फाइनल डेट शीट मानकर ना चलें। हो सकता है इस बार भी जून की तरह इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलें, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अपनी तैयारी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ही करें, डेट शीट पर भरोसा ना करें। नवंबर में आपकी फाइनल डेट शीट आ जाएगी, देन तब कंफर्म हो पाएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कौन से दिन हैं। बट उससे पहले जब भी आप अपनी तैयारी करें तो अपने अकॉर्डिंग ही करें, डेट शीट को 100% श्योर मानकर ना चलें कि यही डेट शीट आने वाली है। सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।